शिवपुरी के करेरा की रहने वाली महिला ने आज शिकायत करते हुए बताया कि पड़ोस में रहने वाला युवक आए दिन उसके साथ छेड़छाड़ करता है, साथ ही अश्लील इशारे करता है, शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर बच्चों सहित मुझे जान से मारने की धमकी देता है। इस समस्या लेके आऊँ के मेरे बगल में रहता है वो अशोक रावत, उसने 3 साल से मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहा है। पहले मुझे मारा चप्पलों से, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा उससे। तो अब 10 तारीख को मेरे साथ ये घटना हुई है कि तलवार लेके आ गया छत पे। मैं गई थी शाम को कपड़े उठाने, तो वो मेरे से बोलने लगा कि तू मेरे साथ गलत संबंध बना ले, जान से मार दूंगा नहीं वरना तुझे, मुझसे बोलने लगा। कब की बात है ये? ये 10 तारीख की बात है। तो फिर आपने इसकी शिकायत करी? शिकायत मैंने करेरा की। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वहाँ पे पैसे पटक दी उनने। तो आप कल भी आए थे शिकायत? हाँ, मैं कल आई थी। फिर क्या हुआ? सर के पास आई थी, एसपी सर के पास, मतलब वहाँ पे दी थी मैंने। पहले भी आवेदन दिया था, 5-6 दिन हो गए, जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। अब कल दिया मैंने आवेदन, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर मैं बहुत परेशान हूँ। कब से ये परेशानी आ रही है आपको? ये परेशानी आ रही है जी, इसने 3-4 साल हो गई हैं। कौन है वो? मतलब वो अशोक है। क्या कोई रिश्ता वगैरह है? क्या लगता है रिश्ते में है, लेकिन खास नहीं है। कहाँ रहते हैं वो लोग? वो एक ही छत है, एक ही मतलब मकान एक ही है, पार्टीशन उठ गया है। मैं वहीं पे रहती हूँ, मेरी सास ससुर अलग रहती है। तो क्या तुम्हारे हस्बैंड जो है? हस्बैंड साथ में ही है उनके, में उनके ही साथ, उनके साथ में है। वो ये चाह रहे हैं कि मेरी घरवाली मर जाए। ऐसा क्यों चाह रहे हैं वो? वो ये चाह रहे हैं क्योंकि उनकी, मेरी जो सास ससुर है ना, उनने की थी लव मैरिज। वो ये चाह रहे हैं कि मेरी बेटा भी ऐसा ही कुछ कर ली तो सब बढ़िया रहेंगे। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी कितने 10 साल हो गई मेरी शादी को, 2012 में हुई थी। तो अब क्यों परेशान कर रहे हैं ये लोग? कुछ जी चाह रहे हैं ना कि वो बगल वाला है जो कुछ करता रहे, पूजा कुछ कहती नहीं, पूजा शांत बैठी रहे, कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं डाले। अब ये बताओ सर मैं कैसे मार रहा हूँ? कोई हरकत की क्या उसने? हाँ उसने की ना, मारा चप्पल से मुझे पहले। नहीं आपने छेड़छाड़ और शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। हाँ तो वो आया था ना छत पे, 10 तारीख की बात है। अब क्या चाहते हो आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ।